तो हाँ जी सभी भाइयों को राम राम और गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग, अच्छे होंगे सब? मैं भी एकदम बढ़िया मस्त बिंदास हूँ। तो ये वाली वीडियो अपन अपने ओम पर्वत के बाद में बना रहे हैं, क्योंकि अभी तक अपन ने कोई वीडियो नहीं बनाई। जो ओम पर्वत की सीरीज चल रही थी वो ही चल रही है, उसके बाद में मैंने कोई फ़ोन नहीं उठाया ना कोई वीडियो बनाया, क्योंकि वहाँ से आने के बाद थोड़ा बहुत काम था, थोड़ा बहुत ऐसे मस्ती वस्ती में निकाल दी तो टाइम नहीं मिला। तो आज ये अपनी पहली वीडियो है जो आज अपन मिल रहे हैं, क्योंकि इतने दिन तक तो आप तो ओम पर्वत वाली सीरीज ही देख रहे होंगे। वो इतनी लंबी इसलिए चल गई क्योंकि वहाँ पे दो तीन दिन जो नेटवर्क नहीं था ना, तो उसके कारण वो लंबी खिंच गई सीरीज, क्योंकि तीन दिन का गैप वैसे हो गया और मैं वीडियो एक दिन छोड़ के एक दिन डाल रहा हूँ तो वैसे लेट हो गए। तो कोई ना, चलता रहेगा, अभी अपन एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो ही डालेंगे, क्योंकि इतना अभी है नहीं अपना, आराम से धीरे 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 बहुत लंबा चलना है अपन को, थोड़ा बहुत नहीं चलना, बहुत लंबा चलना है, बहुत आगे तक जाना है। तो आराम से धीरे 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 करेंगे, अभी तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है, अभी तो आप लोगों को साथ देने के लिए, तो आराम से करेंगे। तो अभी मैं फ़िलहाल उठा हूँ, नहा धो के अपना जो काम है वो करके और जा रहा हूँ फिलहाल मंदिर, तो अपने भगवान जी के दर्शन करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। तो अपने सांड महाराज जी को खाना वाना दे के और अपने मंदिर में भगवान के दर्शन करके हम निकल रहे हैं। बाकी ये सरकारी स्कूल है पूरी ये, और ये उधर तो अभी काम चल रहा है मंदिर का बहुत ज़ोर ज़ोर से। इधर पहले कुछ बना हुआ था उसको हटा दिया, इधर बाउंड्री कर दी और कुछ बनाया है, बाकी बस मज़े हैं। तो फिलहाल बातें तो बहुत कुछ है करने को आपसे, क्योंकि अपन टूर पे गए थे अपने ओम पर्वत, तो उसके लिए बहुत सारी बातें करनी है। वो आराम से अपन एक कैफ़े में जाके अपने वाले पे, तो वहाँ जाके करेंगे। फिलहाल अपन अभी मंदिर से निकल गए और जा रहे हैं घर, घर जाके खाना खा के फिर निकलेंगे। एक दो काम है वो करके, जो भी छोटा मोटा काम है एक बार वो करके और फिर मिलते हैं आपसे सीधा कैफे पे। सुबह से काम में ही इधर उधर भग रहा था, बिजी था, तो ना तो कुछ वीडियो बनाया ना कुछ किया, बस टाइम मिला है तो फिर हेयर कट और थोड़ी बहुत शेविंग करा के आए हैं भैया, और थोड़ा बहुत हेयर कट ही कराया है, बाकी तो दाढ़ी मूंछ अपन ने सेट ही करवाई है, बाकी चंगा ही नहीं, क्योंकि अभी दाढ़ी मूंछ अपन बढ़ा रहे हैं तो एक बार बढ़ा के देखते हैं कैसा क्या लगता है अपने पे, ठीक लगा तो बढ़ा लेंगे, नहीं लगा तो कटवा देंगे, अपने घर की है उसमें क्या है। हाँ फिलहाल छोड़ो, तो बस अभी टाइम हो रहा है 4:30, तो सुबह 11:30-12 बजे एक वीडियो बनाया था, फिर अभी बनाया है, बीच में कुछ भी नहीं बनाया क्योंकि इधर उधर भगी रहा था मैं, तो उसमें क्या वीडियो बनाना यार, जो दिनचर्या है तो चलती रहेगी देखो यार। तो फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ BMW में, क्यों जा रहा हूँ क्योंकि जो अपनी बाइक वहाँ पे मिसिंग कर रही थी ना, बार बार जो बंद हो रही थी चलते फिरते, तो वो सही करवाई है, अब वो देखते हैं उन्होंने क्या सही किया है क्या नहीं, अगर वो सही हो गई तो फिर वहाँ जो छोड़ना है उसको रीगाल कस्टम। लो जी अपने डाकू ने किया ये भगवा कलर, तो ये 22 जनवरी को अपने अयोध्या जा रही है गाड़ी ओडी, तो भी मिलते हैं इनसे भी। और डकेंद्र तो भैया मिस्टेक हो गई, ये कोई वैसी वैसी कार नहीं है, ये अपने जयपुर ओडी जो है, जयपुर ओडी का जो शोरूम है जयपुर में, उन्होंने गिफ्ट की है, जो अयोध्या के महंत जो है, जो महाराज है बड़े वाले, उनको जयपुर ओडी ने गिफ्ट किया है ये ओडी Q7 है ये। तो ये वाइट कलर था, वाइट कलर से अपने रिगाल कस्टम ने पूरा भगवा कलर किया है और ये गिफ्ट की गई है अपने महन जी को, जो अपने राम मंदिर के जो महन पुजारी होंगे उनको। तो भाई साहब थम्सअप जयपुर ओडी को, क्योंकि उन्होंने श्री राम मंदिर में ये गिफ्ट किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये अच्छा लगता है सुन के कि कोई आगे बढ़ के, तो अच्छा लगता है ये देख के कि भाई कोई आगे बढ़ के पूरा सहयोग कर रहा है और कुछ ना कुछ कर रहा है। अपने जयपुर से भी 2100 पीपे गए हैं, जो अपनी सरकार है राजस्थान सरकार, यहाँ से भी 2100 जो तेल के पीपे या घी के पीपे गए हैं। तो आज अपनी वीडियो का दूसरा दिन, कल इतना कुछ फुटेज था नहीं मेरे पास, ना ही वीडियो बनाया इतना, तो फिर अपलोड नहीं किया, बोले दो दिन का एक साथ ही बना के फिर डाल देंगे। तो आज है तारीख 12, नहीं कल थी 12, आज है 13,
तो कल ये अपना वीडियो आएगा, तो आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति, आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाइयाँ और बढ़िया दबा के पतंग उड़ाओ। ये मेरे को नहीं, जयपुर में तो भाई साहब ऐसा मानना है कि लोग बाग बाहर से, मतलब दिल्ली से और हर जगह से, मुंबई से यहाँ छुट्टियाँ लेके आते हैं और यहाँ पे पतंग उड़ाते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिन दहाड़े बहुत ज़बरदस्त दिन दहाड़े मतलब बढ़िया शानदार पतंग उड़ती है और सब पूरे लोग बाग कल परसों दो दिन तक बढ़िया आराम से पतंग उड़ाएंगे, बढ़िया मज़े से रहेंगे, बढ़िया फीनी खाएंगे, दूध भी पियेंगे, जलेबी खाएंगे और ये चलेगा दो तीन दिन फीनी का सीज़न। तो अभी अपन ने कल 1-2 किलो अपन ने भी फीनी खा ली थी, चटका दी थी, तो बस कल ज़्यादा कुछ था नहीं, तो मैंने देखा कि भाई 2 दिन का वीडियो बना लेते हैं एक साथ और फिर डाल देंगे कल परसों में यार, क्योंकि अभी इतना कुछ है नहीं और भगवान सूरज भगवान पूरा ऊपर आ रहे हैं। तो अभी दिखाते हैं आपको, सिटी साइड जाएंगे ना तो आपको दिखाएंगे कि पतंग कैसे उड़ती है शाम को। तो ये देखो, ये फीनी की दुकान अभी खुली है नहीं, और वो आगे पतंग की दुकान, मतलब आपको फीनी और पतंग तो हर जगह मिलेगी अभी, और 2-3 दिन का त्यौहार है, 3 दिन में बढ़िया खाओ दबा के, बढ़िया पतंग उड़ाओ। गर्म गर्म ये गर्म वो ठंडा ये सही है। अभी ये अपने जयपुर का हाल, चारों तरफ पतंग की पतंग उड़ रही है भाई साहब, बढ़िया। अभी तो दोपहर के 3 बज रहे हैं तो अभी जनता कम है, 4 बजे बाद आपको बढ़िया माहौल मिलेगा। और अभी जहाँ मैं हूँ ना वहाँ पतंग भी कम उड़ती है, इस साइड जाओगे ना आप सिटी साइड तो दबागे पतंग है, बाकी इधर कल उड़ेगी पतंग है, कल अपन यहीं उड़ाएंगे पतंग यहीं अपनी बिल्डिंग पे, तो थोड़ा बहुत कचरा पड़ा है, तो कल का टारगेट अपना यही है, यहीं पे अपनी बिल्डिंग पे पतंग उड़ाएंगे, बढ़िया दूध जलेबी फेनी खाएंगे और अपने जो भाई है वो लोग आ जाएंगे, बढ़िया सारे दिन यहीं बस छाव रहे और बढ़िया हवा चले तो मज़ा आएगा, नहीं तो बस ऐसे ही फेनी खाओ और मज़े से करो, यही है कल का सीन। बाकी 2 दिन छुट्टी है कल और परसों, तो 2 दिन मज़े से रहेंगे अब। तो हाँ जी, अभी बैठे हैं अपने कैफे पे, तो बस बैठे हैं और चारों तरफ पतंग उड़ रही है, जहाँ अभी हम बैठे हैं वहाँ पे कम पतंग है तो ऊपर उड़ तो रही है, या ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत उड़ तो रही है, कल ज़्यादा उड़ेगी, कल 14 और 15 को पहले 1 दिन की संक्रांत होती थी, अब 2 दिन की संक्रांत है तो आराम से बच्चों की छुट्टियाँ भी ज़्यादा हो गई, हमारे टाइम पे तो ऐसा था ही नहीं यार, हमारे टाइम पे तो 1 दिन की छुट्टी मिलती थी संक्रांत वाली, वो भी बड़ी मुश्किल से, अगर संक्रांत शनिवार वाले दिन हो तो बढ़िया है, संडे वाले दिन भी उड़ा लेते थे, तो बस अभी तो वही है, बच्चों का बढ़िया काम हो रहा है, बाकी अभी शांति आराम से जीवन में कोई वो नहीं, आराम 2024 जनवरी अच्छा जाएगा मेरे हिसाब से, और 2024 भी पूरा अच्छा जाएगा। तो अभी का सीन ऐसा ही है, कल संक्रांत है तो मेरे सभी भाइयों को फिर से हैप्पी मकर संक्रांति, और सभी को आराम से पतंग उड़ाओ, बढ़िया चाइनीज़ मंजे का इस्तेमाल मत करना, चाइनीज़ मंजे का आपको भी नुकसान है, जानवर को भी नुकसान है, तो इंसान को भी नुकसान है, तो चाइनीज़ मंजे का तो उपयोग करना ही मत भैया, चाहे 2 पतंग ज़्यादा उड़ा लेना, 2 पतंग ज़्यादा खरीद लेना और कटवा लेना, पर ये नहीं कि चाइनीज़ मंजा उड़ा रहे हो, लोगों की काट रहे हो, गर्दन काट रहे हो और जानवरों को भी मार रहे हो, नहीं भैया, आराम से शांति से उड़ाओ, बढ़िया खाओ, तिल के लड्डू खाओ, बढ़िया घेवर खाओ, फीनी खाओ, जो खाना है वो खाओ, पर शांति से रहो। तो अभी का सीन ऐसा ही है, अपना ओम पर्वत वाली सीरीज अच्छी थी, लोगों को अच्छी लगी, अच्छे व्यूज़ आए उस पर, लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट किए, बढ़िया मज़ा आया, तो अभी बस यही है, जनवरी देखते हैं, आराम से शांति से रहेंगे और फरवरी में करेंगे वापस धमाल। तो बस यही था बताने को आपका, ज़्यादा कुछ है नहीं यार बताने को, क्या ही बताऊँ, क्योंकि वही दिनचर्या चल रही है, सुबह उठो नहाओ धो, जो अपना काम है वो करो और बाकी इधर उधर की बातें कर लो, लोगों से मिल लो, लोगों से बातें कर लो, चीज़ें तो क्या दिखाऊँ यार, अब राइड का प्लान बन रहा है, देखो कहाँ का बनता है, अभी तो होगा नहीं, नेक्स्ट मंथ ही होगा, जो भी होगा, जो तब तक के लिए बस अभी अपन ये अपना घर का काम वगैरह इधर उधर का काम आपको दिखाते रहेंगे, रोज बोर करते रहेंगे आपको, तो वीडियो को देखना यार, ज़रूर देखना, सपोर्ट चाहिए आप लोगों का सबका, क्योंकि बहुत लंबा चलना है अपन को, छोटा मोटा नहीं चलना, बहुत आगे तक जाना है, तो आप सभी का सपोर्ट चाहिए, बाकी बढ़िया पतंग उड़ाओ, बढ़िया मज़े से रहो। और अभी हेल्थ थोड़ी बहुत ज़्यादा हीवी हो रही है यार, मेरे हिसाब से 90-95 किलो हो गया मेरा यार, बहुत ज़्यादा हेल्थ हो रही है, तो अब जिम जाने का भी सोच रहा हूँ कि जल्दी जिम ज्वाइन करूं और बढ़िया वर्कआउट करे और बढ़िया घूमे फिरे, थोड़ा बहुत पेट कम करे, थोड़ा बहुत गाल वगैरह मोटे हो गए तो थोड़ा बहुत ये भी कम करते हैं और दिखाते हैं आपको, देखो अभी पतंग ये जो उड़ रही है जो
मजे से रह रहे हैं और जो काम करने वाले काम कर रहे हैं, पतंग उड़ाने वाले पतंग उड़ा रहे हैं, हमारे जैसे पतंगों को देख रहे हैं। मेरे को इतना शौक है नहीं, क्योंकि ना मेरे को तंग डालना आता और उड़ाना उड़ाना आता है, ना लड़ाना आता पतंग। तो उड़ा लेते हैं, कोई तंग डाल के दे देता तो ठीक है, उड़ा लिया, नहीं तो जो है वैसे ही सही है। अपने तो बढ़िया खा लेंगे और बढ़िया अपने घर को निकल लेंगे बाबा, और क्या है। तो पिंक तरबूज खा लीजिए। हाँ तरबूज चल जाए तो देरी। ये काला जामुन लेकिन मैंने कह दी बीज अलग रहा के कालो जामुन बीज है। ये गली के मायने आता है तो क्लस्टर की याद आ जाओ यार। कलस्टर की तो वो चाचा नहीं याद आ रही, जरा माँ नहीं याद आ रही जी की माँ के। बढ़िया बेटा तो रहता बार आप काय दिक्कत चे अगर बड़ी तुम्हारा भाई बढ़िया जिंदगी में चिल फने रही और काय चाहिए ज्यादा को नहीं बिटी चली अब तुम्हारो मन सिटी जा वालों को और कर रही है अंडे को उनको तो जल मेल का बगीचा है जल मेल की जल मेल की अच्छी होने यार। हाँ अभी की सही नेचुरल सबसे बेस्ट बढ़िया। अभी टाइम हो रहा है 9:30 और अभी अपन घूम रहे हैं रात को अपने सिटी की तरफ, क्योंकि आज है लोहरी। तो आप सभी भाइयों को हैप्पी लोहरी और हैप्पी मकर संक्रांति। बढ़िया खाओ, बढ़िया पतंग उड़ाओ, बढ़िया मजे से रहो, कुछ भी गलत शौक मत करो, और ये दोनों त्यौहार आराम से अच्छे चीज़ के साथ बनाओ, अच्छी खुशी के साथ बनाओ और अच्छे दिन के साथ बनाओ। को 10 बजे भी देखो पतंग बाजी की शॉपिंग चल रही है और अभी तक अपनी दुकानें खुली है, क्योंकि ये इनके पास आज का और कल का दिन ही है उड़ाने का और बेचने का। तो बस अभी यही है, और बढ़िया गजक और बढ़िया तिल के लड्डू की दुकानें खुली है, बढ़िया डीजे बज रहे हैं, बढ़िया मज़े हो रहे हैं, और अभी अपन जा रहे हैं खाना खाने। शानदार लग रहा है ना अपना इंडिया का झंडा है देखो। रात को अभी टाइम हो रहा है 3 और क्या झंडा ले रहा है अपना, बहुत गजब लग रहा है यार। तो हाँ जी अभी टाइम हो रहा है 2:30, तो मतलब करीबन 3 ही बजने को है, घर पहुँचते 3 बज जाएंगे। तो अभी अपन निकले अपने निश्चय भी ऐसे वहाँ स्कूल से, वहाँ उनकी कॉलेज है स्कूल है दोनों है, तो वहाँ पे बढ़िया प्रोग्राम था। बढ़िया भाई साहब ने खाना खिला दिया, कोल्ड ड्रिंक पिला दी, जिसको जो पीना है वो पी लिया, जिसको जो खाना था वो खा लिया। और अपन ने वहाँ वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वहाँ फैमिली आई हुई थी, तो अच्छा नहीं लगता यार। और अभी मैं इतना खुला नहीं कैमरे को लेके और वीडियो को लेके कि मैं हर जगह फ़ोन उठा के खोल दूँ और कुछ भी बना लूँ, नहीं। मैं अकेला ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को कि मैं अकेला गाड़ी में बैठा रहूँ, बस बातें करता रहूँ आपसे और बोलता रहूँ, बस मेरा यही है। मैं 4 आदमी हूँ या 2 आदमी हूँ, मेरे से ना फ़ोन निकलता है ना मेरे से बोला जाता है। अभी मेरे को इतनी आदत नहीं हुई, और सही भी है यार, क्योंकि हर जगह आप बैठे हो 5 आदमी बैठे हैं तो आप फ़ोन निकाल के वीडियो बनाने लग जाओगे खुद के लिए, तो क्या मतलब है। वो फिर थोड़ा अजीब सा लगता है मेरे को भी और उनको भी कि बोले हर जगह फ़ोन निकाल लेता है ये वो। तो भैया अपन ने वहाँ कुछ भी नहीं बनाया, बढ़िया मज़े से रहे, बढ़िया मज़े से गाए, बढ़िया नए लोग मिले उनसे बातें की, और बस ये बैठे बैठे पता नहीं चला टाइम का। 9:30 बजे में वहाँ पहुँचा था और पहुँचते अभी 3 बजने को है। तो भाई साहब अभी तो घर जाते हैं तो पहले तो गालियाँ सुनूंगा दबा के, पहले तो दादी मिलेगी नीचे वो गालियाँ देगी दादी, फिर कल सुबह उठूंगा तब मम्मी देगी, साथ में वो डॉगी अपना कालू वो भी देगा, बोले तू रात को क्या कर रहा था, कहाँ गया था इतना लेट, क्योंकि रोज़ मैं 6 बजे घर पहुँच जाता हूँ, आज ही मेरे को 2:30 बजे हैं। तो भाई साहब सुननी तो पड़ेगी गालियाँ घर वालों की, वो गालियाँ थोड़ी ना है, वो तो घी के नालियाँ है, गालियाँ देंगे तो घी के नालियाँ बहेगी, तो बस वही है सुन लेंगे, सुनते आए हैं घर वालों की तो बढ़िया है। उनका डर रहना ज़रूरी है, उनकी गालियाँ भी देना ज़रूरी है, क्योंकि 2 दिन में 1-2 दिन बार तो होता है ही, क्योंकि अभी संक्रांत है। हाँ और 14 तारीख और हो गई भाई साहब आज, तो हैप्पी मकर संक्रांति सभी को। अपना वीडियो सुबह आ जाएगा, अभी रात हो रही है 3 बज गए 3 घंटों में, तो 3 घंटे बाद तो लोग बाग छत पे चढ़ जाएंगे और बढ़िया पतंग उड़ाएंगे और अपन सोते रहेंगे बढ़िया 9-10 बजे तक,
फिर भगवान के दर्शन करके और अपनी छाछ राबड़ी पी के फिर निकलेंगे, देखते हैं कहाँ कल का क्या सीन रहता है, कहाँ कहाँ रोते फिरते हैं, क्या करते हैं, और बाकी जो करेगा ऊपर वाला करेगा, अच्छा करेगा। तो बस यही बताना था आपको, ज़्यादा अपना वीडियो पूरा कल वाला आज वाला दोनों वीडियो मैंने गाड़ी में बनाया है और बढ़िया शांति से बनाया, छोटा सा वीडियो बनाया है, क्योंकि मैं अभी 6-7 दिन से राइड पे आने के बाद है ना, मैंने फ़ोन उठाया नहीं, ना वीडियो बनाया ना कुछ बनाया। तो अभी वापस डालेंगे आदत आदत बोलने की, बात करने की। और सबसे पहले तो मैं ये एक आदत सुधारूंगा कि फ़ोन निकालना चालू करूँ, क्योंकि सब बोलते हैं बोले बात किया अगर निकाला कर दिखाया कर, पर मेरे से नहीं होता यार अभी, कोई ना चलता रहेगा अपन को तो कौन सा कल परसों में बना के बंद करना है अपना यूट्यूब, लंबा चलाएंगे देखते हैं कहाँ तक जाते हैं कहाँ तक नहीं। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो बहुत आगे जाएंगे, नहीं चल तो रहा है जीवन तो बढ़िया शांति चल रहा है। तो बस ये था बोलना, तो मेरे सभी भाइयों को गुड नाइट और राम राम और हैप्पी मकर संक्रांति और हैप्पी लोहरी। तो बस ये था, तो मिलते हैं आपको 1-2 दिन में अच्छे से वीडियो के साथ।